सनरोज संस्थान द्वारा शनिवार को महान फिल्मी गायक किशोर कुमार का नवासी जन्मदिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे, डॉक्टर रूप रतन बनर्जी, डॉक्टर सौम्य रतन बनर्जी, संस्थान के अध्यक्ष विवेक अस्थाना सहित किशोर दा के फैंस मौजूद रहे। इस मौके पर केक काट कर किशोर दा को उनकी जयंती पर याद किया गया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर सौम्य रतन बनर्जी और पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे ने कहा, किया गया है कि सेलिब्रेशन करने के लिए किसी के किशोर कुमार जो बहुत सितारा बनकर हमारे बीच में चमक रहे हैं। उनके गीत उनके यादों को ताजा हम लोग हर साल पर पूर्व महापौर सत्या पांडे जी हैं, डॉक्टर सत्या पांडे मैं उनका स्वागत करता हूँ। बाकी लोग ताली बजाइए। तस्वीर बनाए क्या कोई लिखे तुझ पे कविता रंगो छंदों में समाएगी इस तरह से इतनी सुंदरता। आज किशोर कुमार जी के जन्मदिवस पे हम लोग यहाँ वैष्णव लॉन में इकट्ठा हुए हैं उनका जन्मदिन मनाने के लिए, और इस अवसर पर आज मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि किशोर कुमार जी आज भी इस दौर में भी जब पॉप कल्चर जब रॉक म्यूज़िक फेमस हो गया है, इस दौर में भी आज उनका जो इतने फेमस है वो आज भी अजय हैं और अमर हैं। आज भारत के ऐसे सपूत जिन्होंने संगीत के क्षेत्र में अपना नाम किया, उनके इतने ज़्यादा फैन हैं कि उनके न रहने पर भी आज भी लगता है कि वो सभी के हृदय में हैं, और आज उनका 89वां जन्मदिन मनाया जा रहा है उसके लिए सभी को मैं बधाई देती हूँ। और बहुत खुशी की बात है कि ऐसे पुरोधा जिन्होंने संगीत के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में अगर नाम किया है तो इसी तरह नाम करते हुए अमृत की प्राप्ति जब करते हैं तो उनके फैंस को इसी तरह मनाना चाहिए उनके जन्मदिन को, कि और आने वाले जो जेनरेशन है वो समझे कि आखिर उन्होंने क्या किया कि आज उनके इतने ज़्यादा फैन हो गए हैं जो परिवार की तरह रहते हैं। आपको पूरे चैनल को और आपके सभी दर्शकों को ढेर सारी आज के दिन की बधाई।